बिजनौर के थाना क्षेत्र के ग्राम नवादा कैसो में मंगलवार की देर रात एक ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए गांव में सड़क पर पार करती एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को छोड़कर फरार हो गया। महिला को गंभीर हालत में सामुदायिक चिकित्सा केंद्र ले जाया गया। मिली जानकारी के अनुसार सोनू पुत्र हरपाल खेत से ट्रैक्टर को लेकर लापरवाही से चलाता हुआ गाँव की ओर आ रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रैक्टर की स्पीड बहुत तेज थी। अचानक योगेंद्र सिंह की 40 वर्षीय पत्नी लक्ष्मी देवी सड़क पार कर रही थी और तभी अचानक ट्रैक्टर ने उसके ऊपर चढ़ा दिया। इस घटना से गांव में हाहाकार मच गया। ग्रामवासी तुरंत ही घायल लक्ष्मी को लेकर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र पहुंचे, जहाँ उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जी, क्या नाम है आपका? विकास देवी। क्या मामला आपका, बताइए पूरा। मामला यह है कि एक ग्राम बहू कूड़ा लेकर जा रही थी, और कूड़ा लेकर जा रही थी आगे से पीछे से आया ट्रैक्टर, बहू बचती बचती नाले में चली गई और ठाकर टक्कर कहीं उतार दिया बहू सब। किसने मार दिया? सोनू ने, अर्जुन सिंह का ट्रैक्टर था। कहाँ का मामला है? पुरानी रंजिश है, कोई आपसी विवाद है क्या? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। क्या चाहते हैं आप इसमें? हम तो ये चाहते हैं कि एक ना क्या तो वो इस मरीज को कब्जा करके मैं ठीक करूं, यानी तो क्या एक ना भाई आप दो तो कार रही। इंसाफ की मांग करती हैं आप? हां, इंसाफ चाहती हैं आप? हां, ठीक।